उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को पेश किया, जो 6,15,518 करोड़ का है। आज सदन में बजट को लेकर चर्चा हुई, जहां विपक्ष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी सदन को संबोधित किया और बजट के साथ साथ कई बातों का भी जिक्र किया। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं, और मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर एक चुनाव को हम लोग लड़ते हैं, और उसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे कार्यों से प्राप्त होता है। कार्यों का ही उल्लेख यहां पर श्री राज्यपाल जी ने किया था, और उन कार्यों पर चर्चा होती तो अच्छा होता। हम उस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन के द्वारा प्राप्त जनादेश यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है।